बिजनेस मैनेजमेंट का एक रूल मैं भी आपको समझा। कोई सच्चा बिजनेसमैन होता ना, वो कभी सेंटी या इमोशनली बल्कि प्रैक्टिकल होता है। और अभी प्रैक्टिकल बात यही है कि आप अपना स्कूटर यहीं पार्क कर दें और मेरी गाड़ी में लिफ्ट ले लीजिए। बड़ा कोइंसिडेंस था। आई मीन, जहां मुझे जाना था वहीं आपको भी जाना था। क्या हुआ, आपका कुछ खो गया? हाँ, वो दादाजी ने मुझे एक येलो रोज दिया था। ये ऐसा येलो रोज आपके पास? मतलब आप सुबह हैं, सुबह हैं, सुबह हैं। हाय सुबह, माय सेल्फ ऋषि पारे। ये येलो रोज आपके पास है, मतलब आप यहां मुझी से मिलने आ रही थी। हाँ, मैं ऑफिस से मिलने आई थी, मगर मैं माय गॉड, व्हाट अ सिचुएशन। आई मीन, हम लोग दोनों एक ही कार में एक साथ यहाँ आ रहे थे एक दूसरे को मिलने, बिना जाने कि हम एक दूसरे को मिलने आ रहे हैं। वाओ, दिस इज क्रेजी मैन। कितना स्वीट है ये, जिससे बात करने वो एक पल में उसका हो जाए, और सुबह इससे शादी करने के लिए मना कर रही है। हेलो, क्या हुआ? कुछ नहीं। आप कितना क्या सोच रही? नहीं, कुछ नहीं। बोला उसको, बोलते शादी नहीं करना। और नहीं नहीं, कुछ नहीं। आप वहां क्या देख रही? नहीं तो कुछ नहीं। कुछ नहीं है तो बात देख क्यों रही? मैं भी तो देखूं कौन नहीं, है। नहीं नहीं नहीं, ऋषि, इफ यू डोंट माइंड, हम लोग कहीं और जाके बात करें। आई डोंट माइंड। बोला कि नहीं, क्यों? वो मैं वो क्या कर रही है? क्यों नहीं बोला? जल्दी जल्दी उससे बोल देना। हाँ, मैं उससे बोलूंगी, लेकिन जा। मैं नहीं जाऊंगी, तू पक्का बोलेगी ना? ज्यादा टाइम मत खा, समझ देना सब लोग। देख को आ गया तो जा। मैं तुझे बोल रही हूँ मुझसे। अरे, आप यहाँ हैं? चले। हाँ, कब? हाय हाय, सलाका उसके संग गाड़ी में बैठकर चली गई। इतना वक्त क्यों ले रही है उसे बताने में? मुझे ना बहुत डर लग रहा है। सलाका ने उस लड़के से बात तो कर ली होगी ना? क्या कहीं वो लड़का सलाका को लेके नानू के पास तो नहीं चला गया होगा? ए माड़ी, मुझे तुझ पे पूरा विश्वास है, सब कुछ ठीक कर देना। मैं जानती हूँ तुम जो भी करोगी ना, मेरे अच्छे के लिए करोगी, है ना? सब ठीक कर देना।
आप वहीं रुक गई, चले। कहाँ खो गई आप? एक बात समझ में नहीं है। जी वो क्या गया आपको? जब हम एक दूसरे को जानते नहीं थे तब आप कितनी बातें करती थी, और अब जब इंट्रोडक्शन हो गया तो आप एकदम से चुप हो गई है। कोई बात है क्या? कभी कभी कुछ बातें कहे बिना भी बहुत सारी बातें हो जाती है। मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करे, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो कम बोले पर दिल से बोले, दिमाग से नहीं, यहां वहां की परवाह किए बिना सच बोले। वाह क्या बात कही आपने। मैं क्यों नहीं कह पा रही हूं कि मैं सुबह नहीं शला का हूं, ना ही मैं सुबह का मैसेज दे पा रही हूं। फिर से खो गई। इफ यू डोंट माइंड Can I have your mobile number? Sure, why not? Yeah. Yeah, please. It's 9521. Hmm. 88. Hmm. 394. Okay. That's my number. एक आखिरी सिक्का बचा था, वो भी इस डिब्बे में चला गया। लेकिन ये सलाका को हो क्या गया है? मेरा फोन उठाकर ठीक से बात भी नहीं कर रही है, अब तक यहाँ आई भी नहीं। भाई मेरी सल्लू कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गई? ए माड़ी, अब क्या करूं मैं? बकुला बहू। हाँ बा? क्या कहा था ऋषि ने कि अगर उसे लड़की पसंद आई तो वो वापस आएगा? लेकिन अब तक तो वापस आया नहीं। लगता है मेरा रसिक शर्त जीत जाएगा।
अब तक तो ऋषि अहमदाबाद जाने के लिए निकल चुका होगा, क्या कहती हो तुम? अब थक जाएंगे खड़े खड़े, बैठ जाइए थोड़ा। देखिए जिंदगी में हम जो कुछ भी सोचते हैं वो हमेशा होता नहीं है, और फिर ये आजकल के बच्चों को समझना, उनकी सोच को समझना शायद हमारे बस की बात नहीं है। मानना पड़ेगा लड्डू, आजकल तुम बड़ी समझदारी की बातें करने लगी हो। तुम्हें लगता है कि रसिक मुझसे शर्त जीत गया है, है? अब जाने दीजिए, ये सब तो चलता ही रहता है ना, हार जीत। हाँ वो तो है, और शायद तुम्हें ये लगता है कि मेरी दीर्घ दृष्टि भी खत्म हो गई, लेकिन तुम जो ये सब सोच रही हो ना, ये सब बकवास है। हेलो गोविंद, मैंने तुझसे कहा था ना कि अगर ऋषि को सुबह पसंद नहीं आएगी तो वो सीधा अहमदाबाद चला जाएगा। तो क्या हुआ, ऋषि कुमार घर नहीं आए ना? अहमदाबाद चले गए ना, मुझे पता ही था। अरे रोतड़ू क्या हमेशा रोते रहता है, कभी तो पॉजिटिव सोच। ऋषि वापस आ गया है। इसका मतलब? इसका मतलब कि ऋषि को सुबह पसंद आ गई है। अब तू जल्दी से सगाई की तैयारी कर, समझा, रोना बंद कर। हे महादेव। मेरा बेटा वापस आ गया, इसका मतलब मैं समझ गया। बकुल आओ, जल्दी आओ, ऋषि आ गया है। जो नहीं सोचा था ना, आज वो हो गया है। मेरी सुबह की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आने वाली है। ऋषि कुमार ने तुम्हें देखकर हाँ कर दिया है। बेटा, उन्होंने तुम्हें अपने लिए पसंद कर लिया है। अब तो मैं तुम दोनों की शादी धूमधाम से करवाऊंगा। अरे चमत्कार हो गया कांता बहन, चमत्कार। अरे ऋषि कुमार आ गए, अरे गुड़ खाओ आप, लो आप भी गुड़ खाओ, आप भी गुड़ खाओ, अरे आप भी गुड़ खाओ, अरे आप भी गुड़ खाओ। ऋषि कुमार आ गए, ऋषि कुमार आ गए, ऋषि कुमार आ गए, अरे ऋषि कुमार आ गए, ऋषि कुमार आ गए, अरे ऋषि कुमार आ गए। बस 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 बस, काका थक जाओगे, शांत हो जाओ और हमें भी बताओ कि हुआ क्या है, ऋषि कुमार कहाँ से आ गए? अरे ये समझो कि महादेव ने अपना चमत्कार दिखा दिया है, अरे अपना आशीर्वाद मेरी सुबह को दे दिया है। जो नहीं सोचा था ना, आज वो हो गया है। मेरी सुबह की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आने वाली है, क्योंकि ऋषि कुमार आ गए, 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 ऋषि अरे सुबली तुम कैसी हो? ठीक हूँ मासा। बहुत दिनों बाद आई। अच्छा अच्छा, सलाखा ये इसलिए तू आई? क्या मासा, सलाखा आती है तब भी आती हूँ क्या? हर त्योहार में आपसे आके मिलकर नहीं जाती? अच्छा अच्छा, आ बेटा अंदर आ, आ जा, आ जा। अरे पहले ये बता, नाना जी कैसे हैं? वो एकदम ठीक है,
सलाका नहीं है? नहीं बेटी, वो घर पे नहीं है, बस आती होगी। तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाता हूँ। सलाका वहां मंदिर में भी नहीं आई, यहाँ घर पर भी नहीं है, तो वो आखिर कहाँ चली गई? शुभू मेरे घर आ गई, अब मैं ऐसे कैसे बताऊं कि ले बेटा पानी। इतनी परेशान लग रही है बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं मासा। मैं तुम्हारे सामने कैसे हूं सुबू, समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या बात करूं। ऋषि कुमार ने तुम्हें देखकर हाँ कर दिया है बेटा, उन्होंने तुम्हें अपने लिए पसंद कर लिया है। अब तो मैं तुम दोनों की शादी धूमधाम से करवाऊंगा। ले बेटा पानी। इतनी परेशान लग रही है बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं मासा। सुना है तुझे लड़का देखने आया था, क्या हुआ? वही तो सलाका से वही पूछना है कि क्या हुआ। क्या? कुछ नहीं, मुझे ना बहुत देर हो रही है, सलाका आएगी ना तो उसको बोल देना मैं आई थी। हाँ आती हूँ। अच्छा बेटा। अरे सुबली, बधाई हो बधाई। अब तो सुबली की बजेगी शहनाई। अरे वाह, सुबली तो गई शर्माई, सुबली तो हो गई पराई। बधाई हो बधाई। अरे सुबली को बधाई दो बधाई। अरे क्या? अरे चुप करो काकी मासी, सुबली कहाँ शर्माई, और अपनी बधाई रखो आपके पास ही। अभी इटली? अरे क्या हुआ है? अरे चमत्कार हो गया चमत्कार। अरे काका काका जल्दी आओ, देखो अपनी सुबली आ गई। अरे आ भी गई। अरे मारी दिक्री आ भी गई। मारी वाली वाली दिक्री आ भी गई। क्या हुआ है? बधाई हो मेरी बच्ची, तुझे खूब खूब बधाई हो। नाना जी अब आप मत बोलना। अरे क्यों ना बोलू, अरे बोलने दे मुझे बोलने दे। अरे जी तो मेरा चाहता है कि ढोल बजा बजा कर पूरे गांव को ये खबर सुनाऊं कि अब तो मेरे घर बजेगी शहनाई, मेरी सुबली की होगी विदाई। कुछ तो गड़बड़ है। अरे गड़बड़ नहीं, मेरी बच्ची खुश खबर है, ऋषि कुमार ने तुम्हें देखकर हाँ कर दिया है। बेटा उन्होंने तुम्हें अपने लिए पसंद कर लिया है।
अब तो मैं तुम दोनों की शादी धूमधाम से करवाऊंगा। अरे इसी खुशी में आज मैं कंसार बनाता हूँ, मेरे महादेव जी को भोग भी तो धराना है। जय महादेव बम भोले। हाँ, मैं भी लापसी के लिए पानी रखती हूँ। तेरे मेरी बच्ची खूब जियो, कंसार कंसार बनता हूं। ऋषि कुमार ने हाँ कैसे बोल दिया? मैंने तो ना कहलवाई थी, फिर भी फाटी मुए ने हाँ बोल दिया। या फिर सलाका ने उससे कुछ कहा ही नहीं? सल्लू, तूने वो ऋषि कुमार को ना नहीं बोला ना? तुझे पता है क्या हुआ? हमारे ना कहने से पहले पता नहीं उसके दिमाग में क्या आ गया, उसने शादी के लिए हाँ कर दी। मतलब तू समझी नहीं? तू यहाँ आई ना उसे मना करने के लिए, तो तुझे देख के उसने शादी के लिए हाँ कर दी।